इतना दयालु, इतना कृपालु, इतना भोला अगर कोई है महाराज तीनों लोकों में तो केवल कैलाशपति बाबा भूत बावन भोलेनाथ, जो थोड़े से जल में, थोड़े से बिल्व पत्र में, थोड़े से पुष्प में, दूर्वा में, समी पत्र में, भांग में, वश में, दतूरे में, दूध में, दही में, शहद में, घी में, शकर में, जो चढ़ा दू, जितना चढ़ा दू, कम से कम चढ़ा दू, ज्यादा से ज्यादा चढ़ा दू, महाराज समान रूप से फल देने वाले हैं। ज्यादा चढ़ाने वाले को ऐसा नहीं कि ज्यादा दें, कम चढ़ाने वाले को ऐसा नहीं कम दें। महाराज ज्यादा कम तो केवल वस्तु है, बाबा तो आपको दूध चढ़ाते चढ़ाते मन देख रहे कि मन कैसा है, बिल पत्र चढ़ाते चढ़ाते आपको मन को देख रहे कि मन कैसा है। महाराज बाबा आपको जब जल चढ़ाओगे, जल चढ़ाते चढ़ाते आपके मन को देख रहे कि इसका ये जो जल जितना निर्मल है, क्या चढ़ाने वाले का मन भी इतना निर्मल है? आप निर्मल मन से निर्मल जल चढ़ाओगे तो स्वीकार है, और दुनिया भर की गंदगी मन में रख करके खूब गगरिया भर भर के ओढ़े लो महाराज, तो भी कुछ नहीं होने करने वाला। शिव महाराज पावन है, शिव पवित्र है, शिव आदि है, शिव अनंत है। ऐसे शिव के नजदीक में जाइए तो पावन, पवित्र और निर्मल मन को लेकर के जाइए। निर्मल मन से महाराज एक लोटा जल चढ़ाओगे तो कृपा होगी, एक बिलपत्र रख दोगे महाराज तो कृपा हो जाएगी, थोड़े से पुष्प, थोड़ा सा समी पत्र, और कुछ भी नहीं है अगर महाराज, कुछ भी नहीं है आपके पास में, तो बाबा के मंदिर में जाके कम से कम उनको प्रणाम करके कहो कि बाबा जय सिया राम। जो नाम आप जपते हो वो आपके नजदीक बैठ के बार बार जप रहे हैं, आप कृपा करिए हमारे ऊपर। इतना तो कर ही सकते हैं।